बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम लोग बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी। ये 250 ग्राम मैंने आलू बुखारा लिया था, तो दो घंटे हो गए इसको भिगोए हुए, और इसके साथ मैंने ये इमली ली है 50 ग्राम, इसको भी मैंने दो घंटे पहले भिगो दिया था। ये मैंने 6 बादाम लिए थे, तो वो उसको मैंने ऊपर से सिरका उतार दिया और दरमियान से दो दो कर दिए। अभी भी मैं आलू बुखारे उसमें डालूंगा बॉयल करने के लिए। पतीली ली है, उसके अंदर ये ना जो आलू बुखारे का सारा कुछ इसमें डाल देता हूँ। तो इसको पकने के लिए रख दिया मैंने, तो इसमें तकरीबन जो हम लोग 1 लीटर पानी जो है ना डाला हम लोगों ने। ये आलू बुखारे की चटनी हाथ धोने के बाद अच्छी तरह हाथों से इसको ऐसे मसल लें, उसके बाद इसका ना बीज निकाल दें, पल्प इसके अंदर ही रहने दें, और ये उसमें आलू बुखारे में डाल देंगे। ये देखें जनाब, ये बॉयल हो रहा है अभी। इसमें ना यहाँ तो रेड कलर डालें, रेड कलर से बेहतर मैं रिकमेंड करता हूँ कोई भी लाल शरबत लेके ना 2 चम्मच इसमें लाल शरबत के डाल दें, उससे अच्छा कलर आ जाएगा। देखिए मैंने रेड कलर का शरबत डाले, कोई भी ले लें जो आपको इजीली अवेलेबल है, तो उससे इसका कलर अच्छा आ जाएगा। ये देखें ज़बरदस्त कलर हो गया। मैंने इसमें से जो इसका पल्प था इसके अंदर ही रहने दिया, इसके जो बीज वगैरह हैं ये सारे को निकाल दिए मैंने, गिटके वगैरह, और ये अभी ये जो आलू वो बनाया है ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ये भी इसके साथ ही पकेगा। बीच मैंने काला नमक डाल दिया और अभी इसको पकने के लिए रख दिया। जैसे थोड़ा सा बॉयल होता है तो इसके अंदर फिर मैं चीनी डाल देता हूँ, जो कि 250 ग्राम का मैं ले रहा हूँ ये आलू बुखारा। इसमें 1/2 किलो चीनी डलेगी, 1 पिंच मैंने डाला नमक का, 1 पिंच मैंने डाला उसका काले नमक का, और 1/2 चम्मच मैंने डाला तकरीबन रेड चिली का। तो रेशियो हमारी बनती है 1/2 किलो अगर जितनी इमली है उससे डबल हमेशा चीनी लेनी है हम लोगों ने। 1 पिंच मैंने नमक का डाला है, और उसके बाद इसमें मैं तकरीबन 1/2 चम्मच इसमें डालूँगा लाल मिर्च का, कुटी लाल मिर्च का। ये देखिए जी, मैंने 1/2 किलो चीनी ली है, इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं, और इसको आस्ता आस्ता हिलाता जाऊँगा। ये देखिए सारी डल गई है चीनी, और ये इसमें भी हिलाता जाता है। इसको ना अभी एक बॉयल आ गया, अभी इसको हल्की आग पे पकाना है। तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, इसके अंदर मैं अभी ये डालूँगा वाइट विनीगर 1 टेबल स्पून, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ज़्यादा नहीं डाल सकते इसलिए कि ज़्यादा डालेंगे तो फिर इसमें ना खट्टापन ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी इसमें मैं तिल डाल रहा हूँ जो मैंने लिए थे, 40 ग्राम तिल लिए मैंने। आप 40-50 ग्राम जितने भी आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। इसमें डाल दिए जो मैंने छील के रखे हुए थे। अभी ये पक गई है, फ्लेम इसके नीचे बंद करने लगा हूँ, और इसको अभी ठंडा करने के बाद इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाएंगे और फिर इसको फ्रिज में रख लेंगे। तकरीबन पक चुकी है, अभी इसको थोड़ा सा हल्का सा इसमें डाल के ना कॉर्नफ्लोर, तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं हल्का सा। ये देखें ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करने की ज़रूरत, हल्का सा ताकि ना सही हो जाए। ये ले जी, ये मैंने गाढ़ी कर दी हल्की सी, तो ये थोड़ी सी पतली पतली अच्छी लगती है। ये जनाब आलू बुखारे की चटनी तैयार है। अभी इसके ऊपर मैंने चांदी के वर्क लगा दिए हैं, ये ऑप्शनल, अगर आपका दिल करता लगाएं, नहीं दिल करता तो वैसे भी चलेगी। टेस्ट इसका ज़बरदस्त है, आप भी ये रेसिपी घर पे बनाएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।